नमस्ते सबको। तो आज से मैं एक चैलेंज शुरू करने जा रही हूँ। चैलेंज का नाम है 100 डेज 100 रेसिपीज। ओके, तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो ये बीट रूट के पत्ते और आलू की सब्जी, जो कि हिमाचल में स्पेशली पहाड़ी लोग इसको बहुत खाते हैं और ये काफ़ी अच्छी बनती है। तो चलो जी, वीडियो बनाना मतलब रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए मैंने ले ली है कढ़ाई, स्टोव मैंने ऑन कर दिया। अब जैसे कि पता होगा मेरे पुराने व्यूअर्स को कि मैं सरसों के तेल में या फिर घी में चीज़ें बनाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मस्टर्ड ऑयल ले लिया। आई नो आप लोग बोलोगे कढ़ाई चेंज नहीं की, करूँगी, बहुत जल्दी कर दूँगी चेंज। ओके, तो जब तक ये तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ, क्या क्या डालूँगी। सो एज़ यूजल ये धूप आ रही है, एक्चुअली यहाँ से विंडो है और विंडो से काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। तो ये है लहसुन, थोड़ा सा 2 से 3 कलियाँ। प्याज मैंने हल्का चॉप कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, रफली चॉप किया है। ठीक है, ये है हींग। ओके, देन मैं इसमें डालूँगी मेथी, थोड़ी सी हल्दी, ऑफ कोर्स ये एक सीड्स हैं, सीड्स कलौंजी सीड्स, और गरम मसाला एंड नमक। ठीक है, तो चलो देखते हैं तेल की तरफ, तेल गरम हुआ या नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट होने वाला है। अब तेल गरम करने के लिए भी एक ट्रिक होती है, क्योंकि सरसों का तेल अगर कच्चा रह जाए तो अच्छा नहीं होता है, मतलब उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो ये देखो, जैसे इसमें से हल्का धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये हो चुका है। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक रेड चिली ऐड करेंगे, राइट। तो मैंने एक मिर्ची ले ली है, इसको मैंने हल्का सा कट लगा दिया ताकि ये पॉपअप ना हो। ठीक है, अब मैं इसमें कलौंजी सीड्स ऐड कर दूंगी। देन इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमारे मेथी के मेथी ली थी मैंने साथ में, वो करूंगी प्याज और लहसुन। अब इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी हींग। तो मिक्स कर लूंगी, सिंस कि हम ये वाली सब्जी बनाने वाले हैं, क्योंकि ये वाली जो सब्जी होती है ये साग टाइप की सब्जी में आती है। तो हम प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे हम, थोड़ा इसको हल्का सा ब्राउन जब ये हो जाएगा बस उतना सा ही रोस्ट करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये होने लग गया है, और जैसे ये हो जाएगा हल्का ब्राउन, हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी और साथ में जो गरम मसाला हमने डालना है, और उसके बाद हम एंड में ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक, फिर उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, थोड़े से इसमें कलौंजी सीड्स रह गए थे। ठीक है, अब मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। ठीक है, इसको थोड़ा मिक्स दे देंगे। देन मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। ओके, थोड़ा सा इसको मिक्स देंगे अगेन। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ऐड करना है, दैट इज साग। मैं इसको साग बोल रही हूँ। पहाड़ी में इसको हम लोग वैसे तो सब जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, पर हम लोग इसको पुजू बोलते हैं। और चलो पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ।
ओके, तो अब मैं इसको रख दूंगी पकने के लिए। और हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये पकने में काफ़ी समय लगता है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत जल्दी पक जाता है। देखने में इसके पत्ते और जो डंठल है वो काफ़ी मोटे लगते हैं, और ऐसा लगता है कि नो ये पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगा, पता नहीं कब पकेगा, पर ऐसा नहीं है। इवन जो आलू है, आलू से पहले ही पक जाएगा, तो इसलिए आपको जो आलू डालने हैं साथ में वो भी फाइन चॉप करने हैं। अगर मोटा रखेंगे उनको तो फिर आलू नहीं पकेंगे और ये पत्ते पक जाएंगे, राइट। तो अब मैं बताती हूँ थोड़ी देर बाद इसकी सिचुएशन, कंडीशन क्या है। तो 2 मिनट के बाद ही ये ऐसा हो चुका है। एंड हाँ, एक और ज़रूरी बात, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अब ये पिंक हो गया क्योंकि बीट रूट है, तो हमारे आलू भी पिंक हो जाएंगे और हमारी पिंक सब्जी बनेगी, राइट। तो जब ये फाइनल पक जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बनेगा। पर हाँ, ये हमें सिम पे बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि इसको फुल पे रखा तो जल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। तो आप बारी आती है इसको खाने की। आप इसको चपाती के साथ, मक्के की रोटी के साथ खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वाद लगती है। तो ये हमारी सब्जी बनके हो चुकी है पूरी तरह तैयार। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिंस कि मैंने मेरा चैनल अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है, और हर यूट्यूबर की तरह मैं भी चाहती हूँ कि जब मैं इस पर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ये नो थोड़ा सा चले और मुझे भी इससे फ़ायदा हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।